लगाओ कुर्सी लगाओ लगाओ लगा लगाओ कुर्सी लगाओ आप शुरू आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट के 10 जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ लंबी मीटिंग्स चली हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह चुनाव की तैयारी में जुटी है। कुछ कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, कुछ कार्यकर्ता चुनाव का प्रबंधन करेंगे। पार्टी ने यहां अपनी एक टोली को जिम्मेवारी भी दी है। यहां चुनाव का प्रथम चरण पूरी तरह से उसकी समीक्षा भी की गई है। अगले चरण में कैसे चुनाव लड़ना है, कौन कौन से प्रत्याशी होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। सभी प्रमुख नेताओं से उनकी राय भी ली गई है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बिना किसी गठबंधन के पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरी है। और जो लोग पाकिस्तान का राग गाते रहे, जिन्होंने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भाई भाई को लड़ाने का प्रयास किया, वो आजकल एकता खंडता के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का वीडियो देख रहा था, वो एकता खंडता की बात कर रहे हैं। ये चुनाव जब आता है तो फारूक अब्दुल्ला साहब एकता अखंडता भारत की प्रभुसत्ता विविधता में एकता ऐसी बयानबाजी देते हैं। आजकल वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जब कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों को जबरन निकाला गया, तब आप मुख्यमंत्री थे, आपका फर्ज था कि सदियों से इकट्ठे भाई भाई की तरह रहने वाले लोगों को आपने कैसे लड़ने दिया। आज आप फिल्मी ड्रामा, मैं राइट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, फिल्मी ड्रामा रच रहे हैं। जनता जानती है ये आंसू भी घड़ियाली है, ये शब्द भी वो जो बोल रहे हैं। जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों के राइटर एक राइटअप देते हैं, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब एक फिल्मी पटकथा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ से
जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की जनता तीन परिवारों से घृणा करती है, जो लोग जम्मू कश्मीर को वापस 1990 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जो वापस यहां के नौजवानों के हाथ से लैपटॉप और मोबाइल छीनकर उनके हाथ में पत्थर देना चाहते हैं, यहां की टूरिज्म की जो आज कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है उसको वापस टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता ऐसे लोगों से घृणा करती है, घृणा करती है। एक तरफ तो आप जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, उनको देश के कानून ने रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया। कलमुर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं हम जिनको आरक्षण मिला है उनसे छीनेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, बताइए क्या आप गुज्जर बकरवाल पहाड़ी उनको मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं? वापस उनको जो आरक्षण है विद इन डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं? एससी भाइयों को जो आरक्षण प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है आप उसे वापस लेना चाहते हैं? जनता जानना चाहती है उमर अब्दुल्ला साहब गोल गोल चटपटी बातें नहीं, इधर उधर की बात ना कर, बता ये काफला लूटा कैसे, ये जम्मू कश्मीर लूटा कैसे। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विकास की, आप जम्मू कश्मीर को वापस पत्थरबाजी में ले जाना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर को सहला रहे हैं, मोदी जी आगे ले जा रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर को दहलाने की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इसका करारा जवाब देगी। आज एक गरीब बोट वाले से लेकर टैक्सी वाले से लेकर एक मजदूर से लेकर एक बड़ा होटल व्यवसायी तक हर आदमी खुशहाल हुआ है। छोटे से छोटे गांव में सड़क बनी। जम्मू कश्मीर कि धरोहर है यहाँ के बड़े बड़े इतिहासक स्थान, चाहे वो पवित्र चरारे शरीफ हो, चाहे पवित्र शंकराचार्य जी का मंदिर हो, चाहे हरि पर्वत हो, चाहे यहाँ की प्राचीन दरगाहें हो, मस्जिदें हो, आश्रम हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, छेवीं पातशाही साहब का गुरुद्वारा हो, ये सब चीजें मिलके कश्मीरियत है। लेकिन आप कश्मीरियत पर एनसी का खूनी रंग फेरना चाहते हैं, पोछना चाहते हैं। एनसी का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 370 और 35 से वापस लाएंगे और आपके पिताजी कह रहे हैं 100 साल नहीं आ सकते। आप खुद कल एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इस चुनाव में नहीं आ सकती। तो ये भ्रम क्या है? ये मैनिफेस्टो है कि झूठ का पुलिंदा है? और मैं देख रहा हूं यहां पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं। वैसे तो
जिंदगी के 50 बसंत उन्होंने देखे हैं, लेकिन ये पहले ही 2 बसंत हैं जो वो कश्मीर में आके उन्होंने देखे हैं। 50 साल की जिंदगी में कभी कश्मीर नहीं आए। आज दोनों भाई बहन स्नो बॉल खेलते हैं। ये निशानी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति लाई है। ये प्रमाण है, ये सर्टिफिकेट है। और मैं उन्हें कहूंगा जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से, हर महीने आए स्नो बॉल खेलें, कुछ तो दिन गुजारें कश्मीर में। राहुल गांधी जी आजकल लाल चौक में आइसक्रीम खाते हुए फोटो डाल रहे हैं। राहुल गांधी जी, ये वही लाल चौक है जहां आपने पत्थरबाज पैदा कर दिए थे। आज मोदी जी ने उन बच्चों के हाथ में कंप्यूटर पकड़ाया है, वो बच्चे अपना भी भविष्य बना रहे, देश का भी भविष्य बना रहे। जिस लाल चौक में आप उस दिन आइसक्रीम खा रहे थे, यहां मुकम्मल बंद होता था 365 दिन में 250 दिन बंद रहता था। स्कूल चलते नहीं थे, कॉलेज बंद होते थे, होटल में कोई आता नहीं था, टूरिज्म होता नहीं था, विकास रुका था। आज वहां खुशहाली है, खुशहाली है। लेकिन बड़ा हाई किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि पहले उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं हम समझौता नहीं करेंगे, अब समझौता किया जैसे बताया जा रहा है जैसे ये बड़ा ही जबरदस्त समझौता है। अरे साहब, ये समझौता था आपका भी। आज से 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में आप सबने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने अब्दुल्ला खानदान के युवराज उमर अब्दुल्ला जी को चुनाव हरा दिया। यही कांग्रेस थी आपकी सपोर्ट कर रही थी, आपको बचा नहीं पाई। यही महबूबा जी को सपोर्ट कर रहे थे, महबूबा जी जीत नहीं पाई, मुफ्ती परिवार के युवराज हार गए। गांधी नेहरू परिवार जो आज जिनसे बाहें बाहें डाल के आप घूम रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं, वो तो जम्मू कश्मीर के अंदर खाता भी नहीं खोल पाए, खाता भी नहीं खोल पाए। रिटायर्ड टायर्ड लोग अब जम्मू कश्मीर की जनता पसंद नहीं करती, इसलिए जिनके मुंह में हमेशा पाकिस्तान रहता है, जिन्होंने अपने शासन में अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं की, वो लोग जो केवल विधानसभा का मंच का प्रयोग ऑटोनॉमी के लिए करते रहे, आज वो एकता और अखंडता की बातें कर रहे। ये कैसा दोहरा चेहरा, ये आंखों में आंसू घड़ियाली हैं, ये बोले गए शब्द फिल्मी पटकथा की तरह लिखे हुए हैं। ये एक फिल्मी ड्रामेबाजी है जो फारूक अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो आप गठबंधन में है वो कह रही है जब से उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है भाजपा को वो रास नहीं आ रहा है, देश को रास नहीं आ रहा, जम्मू कश्मीर को रास नहीं आ रहा। आप बताइए, अगर उनको लगता है कि उनका घोषणा पत्र सही है तो गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं। बोले उमर अब्दुल्ला कि हम गुजरों का आरक्षण छीनेंगे, हम बकरवालों का आरक्षण छीनेंगे, हम रिजर्वेशन पहाड़ियों का छीनेंगे। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कौन होता है मेरे से प्रश्न पूछने वाला। अरे साहब, आप बड़े आदमी हैं, राज घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन जनता पेट से नहीं तय करती कि कौन नेता होगा, किस पेट से कौन आया। यहां मत पेटी तय करती है कि नेता कौन होगा। इसलिए मैंने फिर कह रहा हूं,
सिविलियन किलिंग सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में हुई, इस प्रश्न का उत्तर दें। सिविलियन किलिंग्स किसके राज में सबसे ज्यादा हुई और किस मुख्यमंत्री के समय में मुख्यमंत्री आवास में भी हत्या हुई। देश जानना चाहता है, जम्मू कश्मीर जानना चाहता है कि किन के हाथ खून से रंगे हैं। इधर उधर की बात ना कर उमर अब्दुल्ला, बता जम्मू कश्मीर लूटा किसने। मैं प्रश्न पूछता हूं, कहते वो पूछने वाले कौन होते। मैं उनसे एक पहला प्रश्न पूछता हूं, क्या आप पहाड़ी गुजरों का रक्षण छीनने वाले हैं? आपका मैनिफेस्टो कह रहा, गुमसुम क्यों है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दोबारा दो विधान, दो प्रधान, दो निशान लाना चाहते, क्योंकि आपका मैनिफेस्टो बोल रहा तो स्पष्ट करें। अरुण जी, आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन कहां देखते हैं?